डियर जियो सिनेमा, प्लीज थोड़ी सी फैंस की भी सुन लो, क्योंकि आपके प्लेटफॉर्म पर कुछ ऐसे कंटेंट्स हैं जो कि लिटरली 100% क्वालिटी वाले हैं। फॉर एग्जांपल, गेम ऑफ थ्रोन्स, द लास्ट ऑफ अस, द सक्सेशन, ट्रू डिटेक्टिव, ओपेनहाइमर, कुंग फू पांडा और भी बहुत सारी अच्छी अच्छी मूवीज हमको जियो सिनेमा पर देखने को मिलती है। और लेटेस्ट जियो सिनेमा पर ही हाउस ऑफ ड्रैगन एयर हो रहा है हर हफ्ते, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि ये इन सभी कंटेंट के साथ जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं, एटलीस्ट हिंदी ऑडियंस के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। जिसके बाद मेरे को कुछ चीजें नोटिस हुई जो कि लिटरली इनको अपने ऐप में फिक्स करनी चाहिए, क्योंकि मेरे पर ये ओवरऑल 4 पॉइंट्स है जिन पर कि इनको काम करना चाहिए, और जिसमें कि नंबर 4 वाला तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है लेकिन उसको इग्नोर किया जा रहा है। तो आज की वीडियो में हम इन्हीं सब पॉइंट्स पर एक एक करके बात करेंगे, और अब ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं पॉइंट नंबर 1। तो आप लोग क्या करो कि जो आपके टीवी सीरीज और मूवीज है जो उनमें सबटाइटल आते हैं, सबसे पहले तो उनको चेंज करो, क्योंकि वो ना तो देखने में अच्छे और ना ही पढ़ने में अच्छे हैं। इनकी मूवीज और सीरीज में सबटाइटल ऐसे आते हैं जैसे यूट्यूब की वीडियोस में आते हैं, सो प्लीज फिक्स दिस। आप इसके लिए नेटफ्लिक्स से सीख सकते हो, उन्होंने अपने यूजर के हाथ में दे रखा है कि उनको कैसे सबटाइटल रखने हैं, वो अपने हिसाब से फॉन्ट स्टाइल, उनकी लंबाई चौड़ाई, थिकनेस कर सकते हैं। तो मैं नहीं कह रहा हूं कि आप भी अभी से ही उतने एडवांस हो, लेकिन सिर्फ इतना कर लो कि उनका स्टाइल चेंज कर दो, उनका फॉन्ट चेंज कर दो, उनको थोड़ा बोल्ड कर दो, ताकि उनको देखने और पढ़ने में आसानी हो। क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर मेरे को जियो सिनेमा पर कोई इंग्लिश वाली मूवी देखनी है, और सीरियसली बताऊं तो मैं इंग्लिश में एकदम प्रो तो नहीं हूं, लेकिन फिर भी इतनी इंग्लिश तो आती है कि मैं सबटाइटल के साथ देख लेता हूं। लेकिन अगर मेरे को जियो सिनेमा पर कोई मूवी इंग्लिश में देखनी है, वो भी टीवी पर लगाकर, तो उसके सबटाइटल्स ही ऐसे हैं कि मेरे को उनको पढ़ने के लिए ही इतने फोकस के साथ देखना होगा, तो फिर मैं मूवी क्या घंटा देखूंगा। तो भाई प्लीज कृपया करके इसको चेंज करो। इसके बाद पॉइंट नंबर 2, तो सबसे पहले तो मेरे को जियो सिनेमा का ये आउटलुक मॉडल ही अच्छा नहीं लगता, ये अपने कंटेंट को यूजर के सामने अच्छे से प्रेजेंट ही नहीं करते हैं। मतलब होता है ना कि अगर आप किसी ओटीटी प्लेटफॉर्म पर गए तो उसका होम पेज या फिर उसकी जो फिक्स्ड कैटेगरीज है वो ऐसे ही होनी चाहिए कि अगर आप उनको देखो तो आप देखकर ये कहो कि नहीं ये नहीं तो ये देखूंगा, ये नहीं तो ये देखूंगा। और अगर आप जियो सिनेमा पर जाते हो तो वहां आप जाकर देखते हो कि क्या देखूं, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, सब कुछ खिचड़ी बनी हुई है, कहीं पर बिग बॉस है, कहीं पर रियलिटी शो है, कहीं पर टीवी सीरियल है, कहीं पर हॉलीवुड की मूवी है, कहीं पर क्रिकेट है, पूरी इसी तरह से खिचड़ी बनी पड़ी है। सो प्लीज फिक्स दिस। इसके बाद अगर हम अपने पॉइंट नंबर 3 की बात करें, तो भाई अपने एल्गोरिदम को थोड़ा और एडवांस करो, यूजर्स को ट्रैक करो, उनके इंटरेस्ट को ट्रैक करो, वो क्या देखना पसंद कर रहे हैं ये देखो, क्या देखना नहीं पसंद कर रहे हैं वो भी देखो, और उसी हिसाब से उनको चीजें दिखाओ। ये नहीं कि हर जगह पर बिग बॉस चिपका दो, जिसको देखकर मेरे को गुस्सा लगाता है। और हाँ, जिसके लिए मैं ये कहूंगा कि सबसे पहले एक सर्वे करो जिसमें कि पूछो कि क्या आपको बिग बॉस पसंद है या नहीं, जिनको पसंद है उनके मुंह पर चिपका दो, जिनको नहीं पसंद है उनसे थोड़ा छुपा कर रखो अपने ओटीटी पर ही, लेकिन उनके मुंह पर मत मारो। जैसे कि मेरे तो मेरे को ये समझ में नहीं आता है कि ये कौन लोग है जो बिग बॉस देखते हैं, लेकिन फिर भी गुड फॉर देम, उनको और दिखाओ, लेकिन मेरे से छुपा कर रखो, बस मेरे से दूर रखो प्लीज। और हाँ, एल्गोरिदम को एडवांस करने की तो आपको जरूरत है, बहुत जरूरत है, क्योंकि जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया कि इनके ओटीटी पर इतने कमाल के कंटेंट है, जैसे कि द सक्सेशन, ट्रू डिटेक्टिव, द लास्ट ऑफ अस, ओपेनहाइमर और भी कमाल की मूवीज हैं, लेकिन उनको जाकर ढूंढना पड़ता है, वो ऐसे मिलती नहीं है, ढूंढना पड़ता है, तो ये एल्गोरिदम की कमी है। सो प्लीज फिक्स दिस। अब तक मैंने आपको 3 पॉइंट्स गिनाए हैं जो कि एक हद तक एक्सेप्टेबल भी हैं, वो उनको नहीं भी चेंज करेंगे तो काम चल जाएगा, लेकिन पॉइंट नंबर 4 पर इनको एक्शन लेना ही होगा क्योंकि ये ज्यादा जरूरी है। तो पॉइंट नंबर 4 पर आते हैं इनके डब्स, हिंदी डब्स, या फिर कहूं बैड हिंदी डब्स। क्या करते हैं ये लोग, किससे डब करवाते हैं? इनके हिंदी डब सुनकर ऐसा लगता है कि रोड से उठाकर किसी बंदे को कहा कि इस मेन लीड रोल की वॉइस दो। आपके ओटीटी पर इतने कमाल के शोज हैं जो कि इससे पहले कभी हिंदी में नहीं आए हैं, आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी कि आप उनको एक अच्छे हिंदी डब के साथ प्रमोट करें और व्यूज गेन करें, अपने सब्सक्राइबर्स गेन करें, लेकिन नहीं, आपने क्या करा कि ऐवें ही कुछ भी कैसे भी डबिंग करवा दी और डाल दी अपने ओटीटी पर। फॉर एग्जांपल गेम ऑफ थ्रोन, उसका ऑफिशियली डब आया, मेरे को लगा भी नहीं कि वो ऑफिशियल है, उससे अच्छा था वो अनऑफिशियल वाला था, जो पहले वाला था, लेकिन ये लोग हिंदी डब में हग देते हैं। अभी हाउस ऑफ ड्रैगन चल रहा है और उसकी हिंदी डबिंग इतनी सड़ी हुई है ना कि क्या बोलूं मैं। एक तरफ शो की क्वालिटी है जो कि 100% है, और एक तरफ डब की क्वालिटी है जो कि -100% है, और ऐसा ही इनके सभी शोज के साथ है। ट्रू डिटेक्टिव की क्या सड़ी हुई हिंदी डबिंग करवाई इन्होंने। सो प्लीज अगर जियो सिनेमा से कोई इस वीडियो को देख रहा है तो और कुछ करो ना करो, अपने हिंदी डब्स को फिक्स कर लो।
उनको तो अच्छा कर लो, उनको सवार लो, क्योंकि आपकी प्राइम ऑडियंस हिंदी है। उन पर ध्यान नहीं दोगे तो वो आप पर नहीं देंगे। 29 से 100 कर लो, लेकिन हिंदी डब अच्छा करवा लो। हाउस ऑफ ड्रैगन इतना कमाल का शो चल रहा है, लेकिन उसकी हिंदी डब देखकर ऐसा लगता है कि इतना कोई कैसे हक सकता है। सो प्लीज प्लीज फिक्स हिंदी डब्स। बाकी तो आप सब कुछ ठीक ही कर रहे हो। अब आपने एनिमेज भी ऐड करने स्टार्ट कर दिए, जिसमें कि डेमन स्लेयर का हिंदी डब अच्छा है, क्योंकि ऑब्वियसली वो क्रंची रोल वालों ने करवाया है। सो दैट्स गुड। और अगर आप लोग भी मेरी इन बातों से एग्री करते हो तो प्लीज इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करना, अपने फेसबुक इंस्टाग्राम ट्विटर पर शेयर कर सकते हो, ताकि ये वीडियो उन तक पहुंचे और वो इन चीजों पर एक्शन ले, इनको फिक्स करे। बाकी वीडियो थोड़ी बहुत कहीं से भी अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पर कहीं से भी पूरी दुनिया में कहीं से भी अगर टपके हो तो सब्सक्राइब करके जरूर से जाना। मैं मिलता हूँ आपको अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, टाटा, टेक केयर, बाय।